अरे गोकू एक चाय भेज दो जरा। टाइम लगेगा गुप्ता जी। हेलो नमस्ते मैडम। जन कल्याण केंद्र मैडम, अपनी भैंस को आज अस्पताल ले आए क्या? रॉन्ग नंबर है मैडम ये। तो नंबर सही कर लो मैडम। खाना खाना मैडम। कितनी बार कही है मेरे आने से आधा घंटा पहले आ जाया कर, सफाई कर दिया कर, सब चित्र बितर पड़ो है, चिका कर मेरी मचा रखी है इधर। अरे मैडम मैं आधे नहीं एक घंटे पहले आ गया था, लेकिन सटियाई हुई बुढ़िया ने रोक लिया था मैडम और अपने काम में लगा दिया। कौन बुढ़िया? अरे मैडम एक ही तो हैगी, अरे अपनी सीनियर मैनेजर। तुझे शर्म ना आ रही राजेश्वरी मैडम के बारे में ऐसे बोलते हुए? दत्तू फिर तो हमारे बारे में भी हमारे पीछे से ऐसे बकवास करता होगा तू। अरे नहीं मैडम, अरे आप कहां से आई हुई बुढ़िया हो? तू छी शराब पी रखी है ड्यूटी के वक्त वो भी? अरे मैडम दो ही पेयर लगाए थे वो भी सुन लिया आपने, मानना पड़ेगा मैडम कसम ढीगे की आप बड़े पहुंची हुई चीज हो। बेशरम जरा भी शर्म ना आ रही ना, शराब पी के दफ्तर आया हुआ है तू, ड्यूटी करे शराब पी के। देखिए मैडम ड्यूटी के वक्त तो आप भी सिलाई कढ़ाई बुनाई करती हो, अपने बच्चे का प्रोजेक्ट तक कर देती हो यहाँ पे बैठे बैठे, तो ड्यूटी के वक्त आप भी तो अपना खुद का काम करती हो मैडम। तो बेशरम आदमी शराब पीना और सिलाई करना एक ही बात है रही है? अरे मैडम ड्यूटी के टाइम ड्यूटी के अलावा कोई भी और काम होता है ना वो एक जैसा होता है, चाहे वो शराब पीना हो या सिलाई करना हो। तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है आजकल, मैं बोल रही हूँ दत्तू तेरी ना शिकायत लगाती हूँ राजेश्वरी मैडम से, रुक जा तू अब भी लगाती हूँ शिकायत। अरे लगा दो मैडम लगा दो, अरे हम छोटे आदमी तो डर जाएंगे, अरे वो भी उस पगलाई हुई सटियाई हुई बुढ़िया से। मैडम हम किसी के बाप से नहीं डरते, तो वो बुढ़िया के शमशान की डायन है। लोग राजेश्वरी आपसे कुछ लूं इतनी आपकी औकात नहीं, अलबत्ता मैं देने के बारे में सोच सकती हूँ। क्या मेरा